ठीक है, तो अजय 75 डेज में काम को कर सकता है, और साथ में कौन है इसके, विजय है 40 डेज में कर सकता है, और प्रदीप ने उनको हेल्प किया, तो तीनों ने मिला के काम को 25 दिन में कर लिया। ठीक है, ये समझ आ गया। तो इसका दिन हमें पता नहीं है, और इनके बीच में पैसा बांटना है मुझे, कितना, 480 रुपया बांटना है। ठीक है, तो पैसा जब बांटते हैं ना टाइम एंड वर्क में, तो पैसा बांटने का जो रेशियो होता है ना, वो काम के हिसाब से होता है, दिन के हिसाब से नहीं होता। मान लो कि तू 2 दिन में काम करता है और लक्षित 1 दिन में काम को करता है, तो ज़्यादा पैसा किसको मिलना चाहिए, पूरा काम दोनों साथ में कर रहे हैं, तो नॉर्मल दिन के हिसाब से सोचेगा ना, तो जब घर पे जो काम करने आते हैं ना, वो लोग को दिन के घंटे के हिसाब से पैसा मिलता है ना, तो लोग स्लो स्लो काम करते हैं, एक कोई ज़्यादा स्पीड से काम कर रहा है तो उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है ना, तो कंसेप्चुअली ज़्यादा इसको मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों साथ में काम कंप्लीट कर रहे हैं, तो काम करने में समय कितना लगेगा, ए बी अपॉन ए प्लस बी, तो 1 दिन से पहले काम कंप्लीट हो जाएगा, और सिंस दोनों ने साथ में काम किया है और इसने ज़्यादा काम किया, इसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, समझ आ रहा है। तो पैसा जो है वो एफिशिएंसी के हिसाब से मिलता है, तो जो मनी का शेयर है ना, दैट विल बी इन प्रोपोर्शन विद देयर एफिशिएंसी, या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, समझ आ गया, कोई दिक्कत। तो अगर अब इस पहले तो मुझे एक्स निकालना पड़ेगा, अब एक्स निकालने के 2 तरीके हैं, एक है कि डायरेक्ट इक्वेशन लिख दो, 1 दिन का काम और सबका मिला के 1 दिन का काम, ये समझ आ गया, बहुत बेसिक सा इक्वेशन है, उधर जाके सॉल्व हो जाएगा, बट थोड़ा सा गंदा होगा, एलसीएम लेना ही पड़ेगा, तो पहले एलसीएम ले लें क्या, किस किस का एलसीएम लोगे ये तो पता नहीं है, इसका इसका और इसका लोगे, इसका तो मल्टीपल ये खुद है, इसको अगर डबल करोगे तो 150 बनेगा, इससे नहीं जाएगा, फिर से डबल कर दोगे तब इसे चला जाएगा 300, लेकिन मैं 600 ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे इसमें डेसिमल 7.5 आएगा शायद, है ना, 300 लोगे तो मैं 600 ले लेता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 300 लोगे भी तो इसका 1 दिन का काम कितना होगा, 8, इसका और इसका टोटल काम कितना होगा, 24। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 दिन में ये 8 काम कर रहा है, क्योंकि 600 काम 75 दिन में कर रहा है, तो 1 दिन का काम 8, 1 दिन का काम 15, 23 काम हो गया, तो इसको कितना काम करना पड़ेगा, 1 काम, ताकि इनका टारगेट रीच हो जाए, मीट हो जाए, सॉरी 1, तो इसका 1 काम डेली कर रहा है, तो 600 काम कितने दिन में करेगा, अकेले 600 दिन में, समझ आ गया कैसे करते हैं। ठीक है, तो इनका पैसा का एफिशिएंसी, सॉरी पैसा का जो शेयर होगा ना, दैट विल बी 1/75, समझ आ गया, 1/75, वन बाय 75 रेशियो 1/40 रेशियो 1/600, ये तो हमने वापस लिख के किया है, फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बट ये क्यों कर रहे हो जब तुमने इनका काम 1 दिन का निकाल ही रखा है, ये समझ आया क्या, जब रेशियो को इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन ना, हाँ, जब फ्रैक्शन को इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं ना, मतलब रेशियो होल नंबर्स में होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो हमें इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 600 से मल्टीप्लाई करोगे तीनों को तो रेशियो में फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वापस ये 8 और 15 और ये तो बनेगा, तो यहाँ पे तुम्हारे पास एफिशिएंसी है इनकी, तो डायरेक्ट आंसर लिख दो ना, कितने लोगों ने ये करके फिर पलटा था, यही किया था सीधे, उनका एफिशिएंसी ही तो है 8, 15 और 24, सॉरी, ठीक है 1, ठीक है, एक ही काम करना है ना इसको, टोटल मिला के 24 होना चाहिए, तो इसको डिवाइड कर दो इस रेशियो में, 8, 15 और 1 होता है 24, तो 1 शेयर हो जाएगा 20 यूनिट का, तो 160, 300 और 20, समझ आ गया, आसान सवाल है, इसमें कंसेप्ट क्या सीखना था, ये वाला चीज़, ठीक है, लास्ट वाला रेशियो डिवाइड कैसे किया, ये तो 480 को मुझे इस रेशियो में डिवाइड करना है, टोटल कितने पार्ट्स हो गए, 24 पार्ट्स, तो एक पार्ट कितने का होगा, 20 का, ठीक है, समझ आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो हर्ष, 12 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज, तो एक आदमी कितने दिन में काम करेगा, हर्ष 12 लोग 8 दिन में काम करते हैं, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा, कितना,
तू जो बोल रहा है उसको सोच के बोल रहा है। ज्यादा टाइम लेगा ना, 12 लोग 8 दिन ले रहे, तो इसका चेन रूल से करते हैं ना, 96 होगा, मल्टीप्लाई होगा। अगर 20 लोग एक दिन में काम कर रहे हैं तो एक आदमी 20 दिन में काम करेगा, तो 1/20 + 1/20 ऐड होके 1 बनता है, समझ आया? तो इसमें मल्टीप्लाई होता है, समझ आ गया कि नहीं आया? पक्का ना? ठीक है, तो एक आदमी काम करेगा 96 दिन में, तो यहाँ मैंने मेल लिख लिया, 16 वुमेन कैन कंप्लीट सेम वर्क इन 12 डेज। तो एक लेडी काम करेगी 16 × 12 = 192, जो कि मतलब इसका हाफ एफिशिएंसी है, डबल टाइम ले रही है ना। अब ध्यान से देखो, 8 लोगों ने काम स्टार्ट किया है और 8 औरतों ने काम स्टार्ट किया और 6 दिन तक काम किया। अब इस इक्वेशन इसको कैसे करेंगे, हम दो तरीकों से करते हैं, ठीक है? ध्यान से देखते रहना, एग्जाम के लायक सवाल है बट इजी सवालों में आएगा, ठीक है? एक दो बच्चों का हुआ है ना बस, ठीक है? अगर ये 96 डेज में काम को करता है एक आदमी, तो एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा? 1/96। अगर मैं टोटल वर्क को 1 ले लूं, और ये एक दिन में कितना काम करेगी? 1/192। ये दोनों का मिला के एक दिन का काम हो गया क्या? आराम से देखते रहे। और इन्होंने कितने दिन तक काम, अच्छा ये तो एक आदमी का है, हमारे पास कितने आदमी औरत है? 8। तो 8 है, अगर यहाँ कुछ और होता तो वो कुछ और आ जाता, समझ आ रहा है? और ये तो एक दिन का काम है, 8 8 8 लोगों का, और ये कितने दिन तक काम किया? 6 दिन तक। इक्वेशन समझ आ रहा है? ठीक है, उसके बाद लिखा है हाउ मेनी मोर मैन आर टू बी एडेड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 1 डे। अब ये कह रहा है कि काम तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इसको एक ही दिन में काम कंप्लीट करना है, मतलब जो भी ब्रैकेट में आएगा ना वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, एक ही दिन है उसके पास। तो औरतें तो उतनी रहेंगी, मेल कितने बढ़ जाएंगे, तो तुम वो बताओ। इक्वेशन समझ आ गया क्या? समझ आ गया? अगर ये लोग कंटिन्यू करते काम तो हो सकता है काम एक दिन से ज़्यादा लगता, तो बोल रहा है कि यहाँ पे कितना और ऐड कर दो तो आंसर आ जाए। अब इसको हमें सॉल्व करना है, समझ आ गया? तो ये तो हो गया एक तरीका, बेसिक इक्वेशन, ऑनलाइन में भी मेरे हिसाब से क्लियर होगा। दूसरा तरीका है थोड़ा सा अच्छा सा, जो कि इसका नेक्स्ट स्टेप है, एलसीएम ले लो पहले ही, मतलब इसमें भी हम एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो पहले काम को 1 की जगह क्या ले लेंगे, 192 ले लूँ क्या काम को? तो टोटल काम जो है ना 192 यूनिट्स है, 192 मीटर का रोड बनाना है। तो ये एक दिन में एक आदमी कितना रोड बनाएगा? 2 मीटर, ये 1 मीटर, ये एक आदमी का काम है। तो मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, एग्जाम में इतना नहीं लिखता हूँ मैं। तो एक आदमी 2 मीटर, तो 8 आदमी, ठीक है, 8 औरत, और ये 6 दिन तक काम किए, प्लस अभी औरत जो है वो तो अभी 8 ही काम करेगी, और मेल हमें बढ़ाने हैं, मान लो 8 + x कर दो, और ये 2 2 मीटर काम करेंगे, और ये हमें एक ही दिन तक काम करना है जिससे कि पूरा काम पूरा हो जाए। बताओ कुछ टफ है क्या इसमें? सोच के देखो, बस हमें क्या ध्यान रखना है, काम इंटू दिन, ठीक है? अब यहाँ पे काम क्या होता है, मैन इंटू एक दिन का काम, नंबर ऑफ वुमेन इंटू उनका एक दिन का काम, नंबर ऑफ मैन इंटू उनका एक दिन का काम, जो कि फिक्स रहेगा, और यहाँ पे वो रहेगा। समझ आ गया? कोई दिक्कत आ गया ना? टफ था क्या? तरीका समझ गए? अब इसको सॉल्व करते हैं। 16 + 8, ये 144 है, इधर घटेगा 48 बचेगा, मतलब ये ब्रैकेट 48 होना चाहिए, 40 ये सब्ट्रैक्ट होकर 40 बचेगा, और ये 2 से डिवाइड होके, चुप, 2 से डिवाइड होके 20 बनेगा, और फिर 8 घट के 12 आंसर आ जाएगा। समझ आ गया? अब इसको लिख लो अच्छे से, फिर इसका एक और तरीका बताऊंगा। ऑनलाइन में क्लियर है सबको? मैं देखो सवाल से पीछे हट गया हूँ, तुम लोग नहीं समझोगे ये जोक, तुम लोग ये जोक नहीं समझोगे। हाँ, क्वेश्चन बोर्ड पे है ना, तो मैं उसके पीछे आ गया हूँ। एक और तरीका होता है इसका, जो कि यही है, उसमें थोड़ा और एडवांस, एक लेवल पहले सोच लेंगे, तो थोड़ा सा और इसमें मान, इसको करने में मान लो लगेगा कितना टाइम लगेगा, सोच, काम माना, इसका एलसीएम लिया, काम मान लिया, ये मान लो 5-6 सेकंड का काम है, ठीक है, इधर कुछ लिखा, इधर कुछ लिखा, तो मेरे हिसाब से 30-40 सेकंड का काम है ये, लेकिन उसके लिए कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब तुम एग्जाम में बैठ के पहले सोचोगे कि क्या करना है, तो उसमें टाइम वेस्ट होगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो। जो लोग जूम पे क्लास ले रहे हैं, रिप्लाई करना अनिवार्य है।
अपने लैंग्वेज में जो लिखना है वो भी लिख सकते हो, एक दिन का काम, एक आदमी का काम इंटू नंबर ऑफ आदमी इंटू कितना दिन। अपने लैंग्वेज में जो भी लिखना है लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा हिंदी में ब्रैकेट में लिखना है लिख लो। लिख लिया क्या? अब इसको हम लोग ऐसे सोच सकते थे आयुष, आयुष कि जो लीड नंबर ऑफ वुमेन तो फिक्स है, तो कितना दिन नेट काम करेगी वुमेन, सोच पूरा 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 काम कितने दिन में हो जा रहा है। क्वेश्चन मत पढ़, यहां देख, यहां देख कितने दिन में काम हो जा रहा है। ये काम एक दिन का था और ये नंबर ऑफ दिन था और एक दिन में कंप्लीट करना था, तो 7 दिन काम किया है ना औरत ने। नहीं समझ आया? वापस सुन ले, ये ब्रैकेट के अंदर क्या था, नंबर ऑफ मैन इंटू एक दिन का काम, तो ये एक दिन का काम है, ये एक दिन का काम है और उसको 6 दिन से मल्टीप्लाई किया था, और बाद में एक्स्ट्रा मैन क्यों ऐड किए थे, क्योंकि लिखा है कि एक दिन और में खत्म करना है काम, तो टोटल कितने दिन काम किया वुमेन ने और उनके नंबर में कोई चेंज नहीं आया। समझ आया? तो 7 इंटू 7 इंटू 8, 56 काम वो करेंगे क्या, 8 औरत 1 काम और 7 दिन, 56 काम। तो 56 काम घटा दोगे तो कितना काम बचेगा, 136 काम बचेगा जो अब मैन को करना है। समझ आया? जो 8 मैन शुरू से हैं वो लास्ट तक टिके हुए थे, और 8 आदमी मतलब 16 यूनिट काम और 7 दिन, 16 इंटू 7 कितना होता है, तो 112 घटा दो तो बचेगा 24 काम। समझ आ रहा है? अब ये 24 काम कौन करेगा, जो एक्स्ट्रा आए थे मैन वो, तो एक्स्ट्रा मैन है, 24 काम करना है, एक आदमी कितना काम करता है, तो कितना आदमी चाहिए, खत्म बिना पेंच। वही चीज किया है, बस इसके लिए कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग होना होगा तभी ये सोच पाओगे, बाकी इक्वेशन तो है ही, एक नंबर ऑफ मैन एक दिन का काम, नंबर ऑफ वुमेन एक दिन का काम, नंबर ऑफ दिन। समझ आ गया अच्छे से? ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है, पहले इसको साफ कर देता हूँ। 3 लोग हैं ए बी और सी, और उनके एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है, जो भी दे रखा है उसको लिख लेंगे एक बार, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी मान ले, ए और सी हैं, ए बी और सी 3 लोग हैं, एफिशिएंसी का रेशियो 5:3 है, तो मैं कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए इधर लिख देता हूँ 5, और जितने देर में 5 काम करेगा उतने देर में ये 3 काम करेगा, मतलब ये स्लो है। समझ आए? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी टू सी इज 2:3, और यहाँ पे डेज का रेशियो है तो इसका डे का रेशियो है 2:3, ठीक है? तो कायदे से एफिशिएंसी का रेशियो 3:2 होना चाहिए क्या, सोचो, सोच के देखो। नहीं समझ आया? एफिशिएंसी और समय रेसिप्रोकल होते हैं पता है, जितना ज़्यादा टाइम लेगा उतना स्लो, तो अगर ये 2:3 है ना तो ये 3:2 होता है। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर कोई डबल टाइम लेता है मतलब 1:2 होता है तो एफिशिएंसी 2:1 होता है ना, डबल टाइम मतलब आधा काम। अब समझ आ गया? तो मैं इसके एफिशिएंसी का रेशियो 3:2 ले सकता हूँ, 3:2, ये समझ आ गया? अब मैं दोनों रेशियोज को क्लब करके तीनों का आपस में निकाल सकता हूँ ना, रेशियो यू कंबाइन करना आता है तो कंबाइन कर लें रेशियो, तो A:C कितना है, 5:3, और B:C कितना है, कितना है, 2:3, ऐसे लिखा है मैंने, पलट के लिखा है सी को एक साथ दिखाने के लिए, तुम्हें समझाने के लिए लिखा है मैंने इसे। तो सी को जो कनेक्टिंग फैक्टर होता है ना, मैं यहाँ पे भी कर सकता था, कनेक्टिंग फैक्टर को सेम करना है तो इसको 6 बना दो, तो इसको डबल करना पड़ेगा तो ये बन जाएगा 10, और इसको ये बन जाएगा 6, और यहाँ पे ट्रिपल करना पड़ेगा 6 बनाने के लिए, तो ये हो जाएगा 9। ये आ गया इनके एफिशिएंसी का रेशियो, मुझे कहीं से 15 वाली आवाज़ आई थी तो वो गलत है, पता नहीं कहीं से आई थी। ये समझ आया क्या? तो हमने तीनों का एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लिया है इसको यूज़ करके, कोई दिक्कत इसमें? तो जो दूसरे लाइन में डेज का रेशियो था ना उसको पलट के एफिशिएंसी बनाना था, ठीक है? नेक्स्ट लाइन पढ़ो, ए टेक 6 डेज लेस देन सी,
कह रहा है कि ए जो है इससे 6 दिन कम लेता है। अब ध्यान से देखना, 6 दिन कम लेता है, इनके रेशियो का गैप कितना है, 4 का है, ध्यान से देखना। और ये किस एफिशिएंसी का रेशियो है कि, हाँ ये एफिशिएंसी का रेशियो है, और टाइम का रेशियो इसका उल्टा होगा, तो लिख देता हूँ, उल्टा होगा क्या, सोच के बताओ, ये एफिशिएंसी का रेशियो है 3 लोगों का, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, पक्का, चलो देखते हैं, ये एफिशिएंसी का रेशियो ये है, तो टाइम का रेशियो ऐसे निकलता है, रेसिप्रोकल करोगे, जैसे 2 लोगों में रेसिप्रोकल जब करते हैं ना, तो वो वापस इंटरचेंज हो जाता है 2 लोगों में, 3 लोगों में होगा कि नहीं होगा एक बार चेक कर लेते हैं, ये समझ आया क्या, रेसिप्रोकल करना है, ऐसे उल्टा करके लिखोगे तो मेरे हिसाब से शायद गलत आए, तो पहले उल्टा करो फिर अब सीधा करो, ये समझ आया क्या, ये किस चीज़ का रेशियो था, एफिशिएंसी का। मुझे निकालना है अब समय का रेशियो, समय का रेशियो क्यों निकालना है, क्योंकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन गिवन है कि वो 6 दिन ज़्यादा लेता है सी, तो उसको यूज़ करने के लिए मैं ये वाला डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकता, समझ आ गया क्या, ठीक है, पक्का झूठ मत बोलना, ठीक है। अब इसको हम लोग सीधा करेंगे, तो सीधा करने के लिए हमें एलसीएम से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 6, 9 और 10 का एलसीएम क्या है, 90, तो ये क्या बनेगा, 9, 10, 15, देखो ये है और पलटा हुआ ये है, समझ आया, समझ आया क्या, इसमें कोई दिक्कत है क्या, ये किस चीज़ का रेशियो है, दिन का रेशियो है। अब इसमें रेशियो वाइज 6 का गैप है और दिन वाइज भी 6 का गैप है, मतलब इसका दिन ही 9 है काम कंप्लीट करने का, इसका दिन 10 है, इसका दिन 15 है, मान ले वहाँ पे ना 6 की जगह 12 होता, कि दोनों का जो सी जो है 12 दिन ज़्यादा लेता है, तो गैप इनका 6 का है वो 12 है, मतलब 1 यूनिट 2 का है, तो हो जाता है 18, 20 और 30 दिन, ये समझ आ गया, अभी के लिए ये दिन भी मैच हो रहा है, 9, 10 और 15 दिन में काम को करेंगे, अब ये पूरा इनका दिन निकल गया, अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, समझ आया क्या, कोई दिक्कत, और ये चीज़ समझ आई, वहाँ 6 डिग्री की जगह 6 का कोई मल्टीपल होता 18 होता, तो ये भी ट्रिपल हो जाता, डिफरेंस को ट्रिपल करना होगा ना, यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट लाइन है, द वर्क व्हेन बी एंड सी स्टार्टेड द वर्क, तो काम को हम लोग 90 ले लेते हैं, तो पर डे वर्क निकाल लेते हैं, इसका 10 होगा, इसका 9 होगा, इसका 6 होगा, पर डे वर्क मतलब ये एफिशिएंसी होगा, पर डे वर्क एफिशिएंसी होता है, ठीक है। तो बी और सी ने स्टार्ट किया 2 दिन के लिए, तो 15 काम होगा 2 दिन के लिए, 30 काम हो गया, टोटल काम 90 करना है मुझे, ठीक है। बचा हुआ दिन एंड लेफ्ट आफ्टर 2 डेज, तो चले गए, बचा हुआ काम ए को करना है, तो ए को कितना काम करना है, और एक दिन में कितना काम करता है, तो कितना दिन लग जाएगा, कैसा लगा क्वेश्चन, एक बार इसको उलट पुलट बहुत हो गया है, एक बार देख ले, अच्छे समझ आ गया, बिल्कुल बेसिक से, लास्ट का दोबारा समझाओ, 60 काम 10 दिन में, दस एक एक दिन में 10 काम करता है, तो 60 काम 6 दिन में हो जाएगा, ये लास्ट, चल ठीक है, ये समझ आ गया था, एफिशिएंसी का रेशियो हमने कंबाइन किया था रेशियोज को, ये समझ आ गया था, ये समझ आ गया था कि डेज का रेशियो हमने क्यों निकाला था, क्योंकि क्वेश्चन में डेज के बारे में बता रखा था, 6 दिन में 6 दिन ज़्यादा टाइम लेता है सी, तो मुझे एफिशिएंसी से फिर से डेज का रेशियो निकालना पड़ा, समझ आया, क्योंकि मुझे तीनों का डेज नहीं पता चलेगा तब तक काम क्वेश्चन होगा ही नहीं, समझ आया। अब फिर डेज का रेशियो निकालने के लिए मैंने ये पूरा डे का रेशियो निकाला है, तो एलसीएम से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 10, 9 और 6 का, मतलब तीनों को काट के ना होल नंबर बनाना है, तो ये आ जाएगा 9, 10 और 15। उसके बाद ना आशीष, ए और सी का डिफरेंस देखो, रेशियो वाइज 6 का डिफरेंस है और डे वाइज भी 6 दे रखा है, तो 9, 10 और 15 डेज ही हो जाएगा, समझ आया। फिर उसके बाद इनका डे आ गया, तो हमने टोटल वर्क को 90 ले लिया, तो एक दिन का काम 10, 9 और 6 जो हमने कल पढ़ा था, ठीक है। अब बोल रखा है कि बी और सी काम करेंगे, तो 15 यूनिट काम करेंगे, उन्होंने 2 दिन काम किया, तो 30 काम उन्होंने कर दिया और फिर चले गए, फिर बचा हुआ काम 60 है, वो ये करेगा, तो 6 दिन लगेगा, समझ आ गया, सिंपल है अप्रोच, समझ रहे हो हर्ष कैसे करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तू और बढ़ाऊँ या कम करूँ, ऐसे वाला ऐसे नहीं मिलता मार्केट में, मैं वो मैं इसका मेन्यू थोड़ी है, ऐसे वाला इसमें कर दे दो, अच्छा देखते हैं, चलो ठीक है, इससे इजी दे रहा हूँ, इससे इजी दे रहा हूँ,
लो स्क्रीन पे तो आ गया और ग्रुप में भी आ गया। करो स्टार्ट। हाँ क्वेश्चन मुझे गिवन है कि यहाँ पे ए और ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन द सेम टाइम इन विच बी एंड सी कैन डू इट। तो मैं अगर मैं लिखना चाहूँ, जो कि मैं एग्जाम में नहीं लिखूंगा, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी प्लस सी। याद है दो लोगों के साथ में काम करने का टाइम, मतलब दोनों मिला के इतने दिन में काम करेंगे, मतलब कम टाइम होगा और उतने में ए अकेला कर लेगा, तो ए की वैल्यू ये होगी। इक्वेशन क्लियर है क्या? ठीक है। फिर उसके बाद ये रखा, इफ ए एंड बी टुगेदर कुड डू इट इन 20 डेज, ठीक है, एंड सी अलोन इन 60 डेज। तो सी की जगह 60 डेज है, तो मैं यहाँ पे 60 बी अपॉन बी प्लस 60 लिख लूँगा। ए की वैल्यू बी के टर्म्स में आ गई। और मुझे एक और इक्वेशन दे रखा है कि ए और बी जो है ना, मतलब 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी जो है वो है 20। अब दो इक्वेशन है ए और बी का, हम सॉल्व इसको करके आंसर निकाल सकते हैं, जिसमें लग सकता है एक जन्म। मैं इसको ऑप्शन से करूँगा, लेकिन एक बार सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसको अगर मैं लिख सिंप्लीफाई करूँ तो क्या बनेगा, ए प्लस बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1 बाय 20, ठीक है। पर कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। अरे ठीक है, करने को तो कर लूँ सॉल्व, मतलब ए को रिप्लेस कर दूँ। ए को यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, ए को रिप्लेस कर सकते हैं हम कैसे, बहुत गंदा सा लग रहा है। ए को वहाँ रिप्लेस कर दो पलट के, फिर सॉल्व कर लो। ये मुझे सही नहीं लग रहा, मैं एग्ज़ाम में कैसे करूँगा पहले बता देता हूँ, फिर देख लेते हैं, ठीक है। मेरे पास ऑप्शन है 20, 40, 50 और 60, ठीक है, ध्यान से सुनना ऑप्शन कैसे यूज़ करते हैं। और ए जो है वो बी और सी के बराबर काम कर लेता है, ठीक है। अच्छा मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, मैं 1 बाय ए इज इक्वल टू 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी लिख सकता हूँ ना, इसी से तो ये बनता है। और 1 बाय ए की जगह, और ये मुझे हाँ हो गया सॉल्व, मुझे इसको ऐसे लिखना ही नहीं था, ये ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय इज इक्वल टू 1 बाय बी प्लस 1 बाय 60, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 1 बाय ए की जगह डाल दो 1 बाय 20 माइनस 1 बाय बी, हो गया सॉल्व। समझ आया क्या? 1 बाय ए की जगह लिख दो ना 1 बाय 20 माइनस 1 बाय बी इज इक्वल टू 1 बाय बी प्लस 1 बाय 60। समझ आया? ये चीज़ आगे होगा यार, मुझे इस इक्वेशन में ए और बी दोनों हैं, इस इक्वेशन में ए और बी दोनों हैं, ठीक है। तो 1 बाय ए की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, यहाँ पे रिप्लेस कर दो, क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, 1 बाय 20 माइनस 1 बाय बी वहाँ डाल दिया। अब इक्वेशन में से बी बची, सॉल्व कर लो, इधर 2 बाय बी बनेगा, उधर 1 बाय 20 माइनस 1 बाय 60, तो क्या हो जाएगा 2 बाय 60, ठीक है। इधर जाओगे ना, करके दिखाओगे बच्चे हो क्या, समझ आता है ना सब, तो ठीक है। तो बी आ जाएगा 60, हमसे पूछा क्या है, बी ही पूछा है ना, तो 60 इसका आंसर है। ये समझ आ गया? तो ये इजी था, ये वाला स्टार्ट ही नहीं करना था, समझ आ गया। अब किसी की किस्मत ख़राब हो एग्ज़ाम के दिन तो वो ये लिख डालेगा, फिर जैसे मैंने भी टाइम वेस्ट किया। बाकी अगर ऐसे लिखता तो फटाक से हो जाता, लेकिन मैं ऑप्शन कैसे यूज़ करूँगा वो देख लेते हैं। इसको हटा दूँ क्या? ले दे रखा है ना, ए बी और सी के बराबर काम कर लेता है, तो एक दिन का काम या 10 दिन का काम बराबर ही होगा ना। एक दिन का काम इसका ये होगा, इनके एक दिन का काम ये होगा, दोनों का सम के बराबर काम करेगा ना वो, इसी से ये तू मान रहा था, ये इसी से बनता है, पता नहीं तुझे। फिर हटाऊं, 1 बाय ए नहीं लिया ना, ये दे रखा है, ये थोड़ी लिया है, तो इसको एक 1 बाय ए को रिप्लेस कर दिया 1 बाय 20 माइनस 1 बाय बी, और यहाँ पे डाल दिया है, रिप्लेसमेंट किया है लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। अब मैं देखता हूँ ऑप्शन से कैसे हो जाएगा, अभी इतना नहीं दिख रहा, 15 का मल्टीपल। बी का टाइम निकालना है और ऑप्शन में वही दे रखा है, ध्यान से देखो। अगर मैं ऑप्शन नंबर डी लेता हूँ, मान लो डी लेता हूँ, तो सी भी 60 दिन में, बी भी 60 दिन में, मतलब ए 30 दिन में आ जाएगा क्या, सोचो, क्योंकि उन दोनों का सम है वो। तो ए का 30 डेज आ गया, बी का आ गया 60 डेज, और सी का तो दे ही रखा है, और ए और बी का 24 कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, 30 × 60 अपॉन 30 + 60, अब 20 आ गया क्या, देखियो क्वेश्चन खत्म। किस किस को आ गया समझ, ऑप्शन देखना आता है, देख डी ऑप्शन है, ठीक है, डी ऑप्शन है 60, तो बी का 60 दिन हो गया और सी का भी 60 दिन है,
तो बी और सी दोनों का 60 दिन है, तो ए दोनों के बराबर काम करता है, तो आधे टाइम में करेगा ना 30 दिन में, 1/60 + 1/60, तो ए का 30 आ गया। फिर ए और बी का 20 दिन है, तो मैंने इससे वेरीफाई किया कि 60 × 30/60 + 30, अगर 20 मैच हो जाएगा मतलब ये सही है। समझ आया? नहीं आया इसको समझ? इसको नहीं आया? ए और बी कितने दिन में काम को करते हैं? 20 दिन में करते हैं, और हमारा ऑप्शन यूज करके ए आ गया है 30 और बी आ गया है 60, ऑप्शन यूज करके, ठीक है। तो मैंने उसको पुट किया कि ए और बी का कंबाइंड फॉर्मूला जो होता है ना, ए बी बाई ए प्लस बी, उससे अगर 20 आ गया मतलब हमारा ऑप्शन सही है, और वो आ भी गया। अभी बोल रहा है सर चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। हाँ करने पड़ेंगे, ठीक है, ये समझ आ गया। चलो तो मान लो मैं फर्स्ट ऑप्शन यूज करता हूँ, क्योंकि कायदे से फर्स्ट ऑप्शन यूज करेंगे। अब तुम ध्यान से देखो, लाइन पढ़ो कि ए और बी मिला के 20 दिन में कर रहे हैं, तो बी का 20 दिन तो हो ही नहीं सकता, तो फर्स्ट ऑप्शन को हम चेक ही नहीं करेंगे। समझ आया क्या? उसके बाद मुझे दे रखा है कि सेकेंड ऑप्शन यूज करूँ तो उसके हिसाब से बी 40 दिन में काम को करेगा, और सी का 60 दिन है, तो ए का क्या आएगा? 40 × 60 / 40 + 60 कितना आएगा? 50 कह रहा है, पाइथागोरस लगा रहा है क्या? 30 और 40 का 50 आ जाएगा। 30 और 40 आया ना, सॉरी 60 और 40, सॉरी 60 और 40 है, सी का 60 है और बी का हमने ऑप्शन से 40 लिया है। इसको सॉल्व करके कितना आता है? 24, 24 आ गया। अब ए का 24 है और बी का कितना है? 40। इसको सॉल्व करेंगे तो ना डेसिमल में कुछ आएगा, ठीक है, तो ये 20 तो नहीं होगा, तो ऐसे ही ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हुआ। समझ आया? फिर सी ऑप्शन 50 है, तो 50 लेते हो तो 60 और 50 से सॉल्व करके कितना नीचे 11 आ रहा है, तो फ्रैक्शन गंदा सा आ गया, तो ये भी नहीं होगा, तो पूरा चेक नहीं करते। समझ आया लक्षित? 11 कैसे आएगा नीचे? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सही लगा? चलो देखो, 6 men and 8 बॉयज कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। अब इसको इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। इसमें मैन और बॉयज़ है ना, तो मैं एज्यूम करूँगा कि इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है, तो ध्यान से देख लेना। मेरे अजम्पशन के हिसाब से कुछ लोग इसमें ना एम मानते हैं काम, मैं मानता हूँ दिन, ठीक है, क्योंकि मुझे हो गई आदत, तो मैं इसको चेंज नहीं करना चाहता, ठीक है। अब एक आदमी एम डेज में काम को करता है, ध्यान से देखना, और एक लेडी डब्लू डेज में काम को करती है, तो एक दिन में कितना काम करेगा ये? मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ ताकि तुम सजा के लिख लो। ये एक दिन का काम 1/m होगा एक आदमी का, और एक लेडी का काम होगा 1/w, ठीक है। क्या हो गया? अरे ठीक है यार, बी बॉय है तो बी ले लो, ठीक है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब इसके बाद अगर 6 लोग और 8 बॉय काम कर रहे हैं, तो अब ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिखा, एग्जाम में तुम डायरेक्टली लिखोगे 6 men and 8 boys कितना है, कितने दिन में काम कर रहे हैं? 10 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/10। तो ये इक्वेशन किस चीज़ का होता है? पर डे वर्क का होता है। एक दिन का काम 6 लोगों का, एक दिन का काम 8 लड़कों का, और ये टोटल काम एक दिन का। समझ आ गया? ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन फटाक से बनेगा, 26/m + 48/b = 1/2। ये सॉल्व हो जाएगा, मतलब ये लीनियर इक्वेशन है, तो इससे m और b निकल जाएगा, और ये जब निकल जाएगा तो हमें निकालना होगा 15/m + 20/b। समझ आ गया? और ये जो भी आएगा उसको पलट के आंसर आएगा, क्योंकि एक दिन का काम आएगा तो पलट के देना आएगा। ये पूरा प्रोसेस समझ आ गया? सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से देख, इसका 6 टाइम्स है ये, तो इसको 6 टाइम्स कर, इसको लिख लेने तो फिर गंदा हो जाएगा, लिख ले, लिखना है तो। मैं दोबारा नहीं लिखने वाला, इसी को छक्का बना दूंगा, 6 टाइम्स कर दूंगा। तेरा हो गया? लिख लिया क्या भाई? तो आप फास्ट लिखा कर ना। चल ठीक है, अब मैं इसको 6 टाइम्स करूंगा, बेसिक लीनियर इक्वेशन है, 48 6 टाइम्स करूंगा तो 48 हो जाएगा, पेन सूख गया तेरे चक्कर में, ये 36 हो जाएगा और ये 6/10 हो जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे कट जाएगा, यहाँ पे 10/m आएगा,
ये 6/10 है, ये बेसिकली 5/10 है, 1/2 है ना, तो 1/10 आएगा, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100। समझ आ गया? मतलब एक आदमी 100 दिन में काम को करेगा, m को 100 पुट कर दो कहीं पे भी फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे 6/m और 8/b था ना, और 1/10 था, तो यहाँ पे 1/100 पुट करो तो ये हो जाएगा 6/100। 6/100 इधर घटाना होगा मुझे, तो 10/100 माइनस 6/100, ये 10/100 कहाँ से आया, इसी को मैंने एलसीएम से इक्वल, तो ये कितना आएगा, 4/100, तो 6 और ये 8/b के बराबर होगा। समझ आ रहा है? क्योंकि मैंने इसमें वैल्यू रख के उधर सब्ट्रैक्ट किया है, तो ये कितना होगा, 4/100 मतलब 1/25, 25 एट ज़ा 200। इक्वेशन समझ आ गया? सो रहा है। तो 15/100 प्लस 20/200, 20/200 बेसिकली 10/100 ही होता है। कुछ चीज़ें मैं मन में कर रहा हूँ, मुझसे दोबारा मत पूछना, तुम कर लेना बेसिक करके। अब ये 25/100 मतलब 4 दिन खत्म, 1/4 काम डेली होगा। इस क्वेश्चन को करने का तरीका समझ आ गया? ऐसा क्वेश्चन बहुत आएगा, 6 मैन 8 वुमेन ले लेंगे, 2 इक्वेशन बनवाएंगे सॉल्व करके, फिर तीसरा इक्वेशन में डलवाएंगे। समझ आ गया चिराग? समझ आ गया? इसमें एम क्या है, मैंने जो एज्यूम किया एम नंबर ऑफ डेज है। कुछ यूट्यूब वीडियोस पे जो जो जिसके थंबनेल क्रिपी से होते हैं, वो लोग एम को वर्क ले लेते हैं, तो उनका इक्वेशन होता है 6m + 8b, तो उनका जैसे मेरा एम 100 आया ना, उनका एम 1/100 आता है, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जैसे भी सॉल्व करना ये आता है ना सॉल्व करने, 1/m मतलब इसको कन्फ्यूज मत होना, 1/m को स्कूल में एक्स भी ले लेते थे, याद है, टेक 1/a as x, 1/b as y, तो लीनियर इक्वेशन ही है ये, 1 वेरिएबल का, मतलब इसमें 2 वेरिएबल का, और इसमें स्क्वायर क्यूब कहीं नहीं बनेगा, ठीक है? समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, कैट 2018 का क्वेश्चन है, और ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पे और ग्रुप के अंदर भी डाल दिया है, सॉल्व करो। चलो देखो, वेन दे वर्क अलोन, जब अकेले काम करते हैं, ठीक है, तो बी नीड्स 25% मोर टाइम टू फिनिश द जॉब देन ए डज। अब इस लाइन से डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि ए ज़्यादा एफिशिएंट है, तो ए इज इक्वल टू बी अपॉन 1.25, अगर मैं टाइम की बात करूँ तो, टाइम कम लेगा ना, ज़्यादा एफिशिएंट है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। समझ आया? जैसे डबल होता है तो आधा कर देते, तो 25% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 1.25, तो इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, दिस इज 5/4, नहीं समझ आ रहा, तो ए इज इक्वल टू 5/4, तो 4/5 times b, ये क्या है, नंबर ऑफ डेज, मतलब कम समय लेगा ना, ज़्यादा एफिशिएंट है। ये समझ आ गया पहला इक्वेशन? ठीक है, कितना है, 8 ऑप्शन में कहाँ है, ठीक है, तो मैं बी का टाइम ले लेता हूँ 5x days, तो ए का टाइम क्या हो जाएगा, 4x, ठीक है? समझ आ गया पहला इक्वेशन? दे टू फिनिश द जॉब इन 13 days इन द फॉलोइंग मैनर, तो दोनों मिला के 13 दिन लेते हैं, और डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि कुछ तरीका दे रखा है। ए वर्क्स अलोन टिल हाफ द जॉब इज डन, तो आधा काम जब तक होगा ना ए अकेला रहेगा, तो हम पूरा काम को 20x ले लें क्या, तो टोटल काम इज 20x, ध्यान से देखना कुछ भी नहीं है, ठीक है, बस लेंथ इसका बड़ा है, टोटल काम 20x लिया है, तो पर डे काम कितना हो जाएगा इसका, जल्दी बताओ, 5 4 x वहाँ ऑलरेडी है, तो ये 5 काम करेगा, 4 काम करेगा, ये समझ आ गया? अब इसमें बोला है कि एक इतने दिन तक काम करता है कि हाफ काम हो जाए, तो हाफ काम मतलब 10x काम उसको करना है, तो कितने दिन काम करेगा, ए शुरू में काम शुरू किया तो 2x दिन तक काम करेगा, x हमें पता नहीं है ना दिन अभी, तो 5 काम × 2x दिन 10x काम हो गया, तो 2x दिन तक ए ने काम किया है। समझ आया? अकेला था, बी नहीं था, उसके बाद दे रखा है कि उसके बाद ए और बी 4 दिन काम करेंगे, उसके बाद ए और बी, मैं अच्छे से लिख रहा हूँ, एग्जाम में तुम्हें लगता है ऐसे सजा के लिखने का टाइम नहीं होता,
ए और बी मिला के कितना, 9 काम करेंगे और 4 दिन काम किया, तो 36 काम हो गया क्या? तो एक कांस्टेंट देना जरूरी था वेरिएबल निकालने के लिए, तो वो यहाँ दे दिया है। एंड फाइनली बी वर्क्स अलोन टू कंप्लीट द रिमेनिंग 5% ऑफ द जॉब, मतलब कि ये काम जो है 95% है क्या? इसका 95% कितना होता है? 19x होता है वैसे तो, ठीक है रुक जा, एंड फाइनली बी वर्क्स अलोन टू कंप्लीट द रिमेनिंग 5% ऑफ द जॉब। तो अगर मैं बी का जॉब जोड़ू ही नहीं तो 95% जॉब कंप्लीट हुआ होगा ना। यहाँ कुछ गलती, क्योंकि मैं सॉल्व नहीं हो रहा, एक 17x आ रहा है, 18x आता तो सॉल्व हो जाता, कुछ गड़बड़ किया है क्या? एक सेकंड रुक जा, ए वर्क्स अलोन टिल हाफ द जॉब इज डन, तो ए अकेले काम करेगा और ऊपर 13 डेज भी है, तो वो 13 डेज भी दे रखा है मुझे, वो देख रहे हो? अभी बोलना नहीं होता ना, ठीक है। टोटल 13 डेज होगा, एक काम करते हैं, टोटल 20x है, ठीक है। अब 5% जॉब जो है, इसको अगर मैं नहीं भी लेता तो गलत तो नहीं था इक्वेशन, क्योंकि इन दोनों का काम 95% तो होगा ही, तो उससे आंसर क्यों नहीं आ रहा? कुछ गड़बड़ किया है, एक बार वापस देख लेते हैं। बी 25% ज़्यादा टाइम लेगा, दोनों मिला के 13 दिन में काम करेंगे, तो जैसे यहाँ पे कितना दिन काम हुआ है? 2x डेज, यहाँ पे 4 दिन काम हुआ है, और जो ये काम करेगा वाई डेज मान लो, तो वो टोटल जो है वो 13 दिन होगा। ये समझ आ रहा है? ये 2x डेज है ना, ये काम है, और एक्स डेज जो है वो एक्स के टर्म्स में है, तो 2x डेज है। तो ये एक सेकंड रुक जा, ये 2x काम जो है ना, ये अच्छा 2x इंटू, अच्छा मैंने डेज लिखा था शायद ये, तो यहाँ कायदे से 10x आना चाहिए, है ना? ठीक है, हाँ, तो इसलिए मिस्टेक हो गया। मैं वापस समझा देता हूँ, देखो 13 तो अभी मेरे दिमाग में है, यूज़ होगा कि नहीं होगा देख लेते हैं। ये जो है ना 36 क्या है? काम है, मतलब बेसिकली ये 4 दिन इंटू 9 काम है, ये 2x दिन इंटू 5 काम भी तो करेगा, 5 काम तो 10x काम होगा ना, 50% काम, मतलब 10x काम हुआ ना, यहाँ 2x ही लिखा हुआ था, समझ आए? तो ये 10x हो जाएगा, और ये बचा हुआ, ये 95% काम के बराबर होगा। यहाँ से x की वैल्यू निकल रही है कितनी? 4, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो ये 16 दिन 20 दिन हो गया, 13 का यूज़ नहीं पड़ा, समझ आया क्या? अब मेरा तो 20 आया है, मैं तेरे सामने सॉल्व किया, पहले से सॉल्व करके नहीं आया हूँ। 13 का यूज़ क्या था? देख 13 का यूज़ आया नहीं, ऊपर लिखा है ना 13 डेज। इक्वेशन समझ आया? बताओ इजी है नहीं है? इजी है, बस यहाँ पे मैंने डेज लिखा था, ठीक है, और यहाँ पे वर्क लिख दिया था, वर्क 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 लिखना था मुझे, ठीक है, समझ आ गया? ऐसे नहीं देखते वैसे, हाँ देख सकते हैं, मैंने एक ऐट में किया हुआ है, तो मुझे इतना वैसे ये ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। इसने क्या बोला समझ आया? इसने बोला कि सर जनरली नंबर्स आंसर्स होल नंबर्स में होते हैं, तो बी जो है ना ऐसा नंबर होगा जो अगर इसको इंटीजर बनाना है तो ये 1.25 का मल्टीपल होगा। अब 22 अगर होगा तो ये अच्छा सा नंबर नहीं आएगा, समझ रहे हो, डेसिमल में आएगा ऑप्शन नंबर, और 16 होगा तो भी नहीं आएगा, कटेगा नहीं, 20 18 होगा तो भी नहीं आएगा, तो 20 ही आंसर होगा, तो ये भी कॉमन सेंस लगा सकते हो, लेकिन ये हल्का सा क्या होता है, रिस्की होता है, तो कम समय में लगा सकते हो। और मुझे पता नहीं, ठीक से याद नहीं है, 4 साल हो गए, मैंने शायद ये किया था, मतलब ये इक्वेशन लिखा फिर ऑप्शन देखा, 5 का मल्टीपल एक ही है, ठीक है। यहाँ गलती का स्कोप कहाँ है? अच्छा तूने 0.75 ले लिया, फिर तो एक भी आंसर नहीं आ रहा होगा, 16.75 से कट जाता है, एक सेकेंड, 0.75 3/4 होता है, 18 कट जाएगा, तो रिस्की होता है ना, ठीक है, ये समझ आया सबको? अब ये कब, ये जो आंसर है ना, ये थोड़ा सा रिस्की होता है, पहले बोलते रहो, पर जनरली अब तुम यहाँ 2 मिनट दे रहे हो, यहाँ तो कम समय अगर बचा हुआ है ना, तो ये दिमाग लगा सकते हो, पर दिमाग लगाने के लिए एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ऐसे कर सकते हो, इसलिए मैंने बता दिया। तो कुछ पूछ रहा था, बोल। ये तुझे समझ आया? तुझे ये समझ आया 1.25? तो 1.25 का फ्रैक्शन 5/4 होता है, नहीं होता?
होता है, तो 5/4 जो है 5/4 पलट जाता है ना, नहीं समझा? क्यों पलटा? तूने पानी वाला ऑमलेट का वीडियो देखा है जिसमें बाऊजी का मसाला डालता है, वो देखा है तूने? गिनाना सर वो पलटता रहता है, अब पानी डाला मैंने, अब इसको पलटूंगा। देख, b/5/4 जब होता है ना तो ये ऊपर नहीं जाता, तो वही हुआ, इसलिए 4/5 बन गया वो। ठीक है, समझ आ गया कैसा क्वेश्चन था? ये कैट का क्वेश्चन है, बताओ, ज़्यादा टफ तो नहीं है ना? बस अप्रोच देखो कैसे रखता हूँ हर्ष, बिल्कुल कायदे से लिखा, उसके बाद मैंने क्लियरिटी के लिए डेज लिखा, फिर पर डे काम लिया, टोटल काम इसका एलसीएम ले लिया, उसके बाद आधा काम इसको करना है तो 10x काम कर लेगा। अब मैंने 2x तुम्हें समझाने के लिए लिखा था कि 2x डेज तक काम करेगा, मैं डायरेक्टली 10x भी लिख सकता था, समझ आया? ठीक है, तो 10x काम ये करेगा और 5% काम ये करेगा, तो इसको 45% काम करना है, समझ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा? ठीक है, इसका कोई यूज़ नहीं है वैसे क्योंकि अच्छा हाँ यूज़, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड, एक और चीज़ मुझे दिखा, मैंने इसको लिख दिया, अगर मैं थोड़ा देर और सोचता, जिसका समय नहीं होता एग्ज़ाम में, फुल किस्मत पे है, तुम सोच पाते हो कि नहीं सोच पाते हो, तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि 50% काम है, ये 5% काम है, तो ये 45% काम है, तो ये टोटल काम का 45% है, तो टोटल काम निकल जाएगा, सीधे एक्स निकल जाएगा, समझ आया क्या? तो 36 इज इक्वल टू 45% ऑफ समथिंग, वो समथिंग क्या होगा? 45% नीचे आ जाएगा, तो ये 9 × 9 = 80 काम आ गया टोटल, तो एक्स आ गया 4, क्वेश्चन खत्म। ये समझ आया? हाँ ठीक है, वही है ना कि ये चीज़ हो सकती है, मुझे अभी दिखी एग्जाम में, ये पहले दिख जाता, ये फुल किस्मत पे होता है, मैं तुम्हें बता के भेज दूँ तो ऐसे नहीं होगा ये, इसलिए बेसिक तो पता होना चाहिए। उसके बाद ये 5% हटा दिया मैंने, हो सकता है मैं 5% लिख के कर लेता, फिर वो वापस -1 होता, 90 नहीं बनता, तो मैंने पहले सोच लिया, वैसे मुझे पहले ये सोच लेना चाहिए था कि 10x और हटा दो तो ये 45% के बराबर होगा, तो 45% ऑफ टोटल वर्क इज 36, तो 80 का 45% 36 होता है, मतलब ये 80 होना चाहिए, 80 हो गया तो x4 आ गया, x4 आ गया तो हाँ, ये समझ आया? तो मैं भेजता बोल, 4 का मल्टीपल क्यों देखा? 4 का मल्टीपल 1/4 का यूज नहीं है ना, 1.25 है वो, 25% ऑफ नहीं है ना, मोर देन है, तो 1.25 बनेगा वो। ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ें होती है ना, ये रिस्की होती हैं बट जनरली सही हो जाती हैं, ठीक है ना, क्योंकि कैट में जनरली जो क्वेश्चंस बनाते हैं ना जो बंदा, वो होल नंबर्स लेके स्टार्ट करता है, तो डेसिमल में रेयरली आंसर आता है, समझ आया क्या? आई होप सबको क्लियर होगा।